नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। अभी हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी ज़िला के रसूलपुर गांव में। ये वो जगह है जहां पे पिछले लंबे समय से, हम ये कह सकते हैं करीबन एक महीने से, यहां पे नदी का जो है ना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि यहां पे नदी की धारा कितनी तेज़ है, और ये इतनी तेज़ से बह रही है कि तकरीबन 100-200 परिवार जो यहाँ पे कच्चा मकान पक्का मकान बना करके उनके पूर्वज के ज़माने से यहाँ पे रहते आ रहे थे, लेकिन इस बीच में इस पानी का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारा घर इस पानी में विलीन हो गया है। यूँ कह सकते हैं कि कहाँ गायब हो गया उनके घर, उनके मजबूत पक्के के मकान कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है। वाकई ये बड़ा ही दर्द भरा हाल इस रसूलपुर गाँव के लोगों का है, बगल के गाँव के लोगों का है। ये बसपिट्टा पंचायत का इलाका है और मेजरगंज ब्लॉक का ये इलाका है। यहाँ पे हद तो ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार के द्वारा अब तक कोई राहत कार्य यहाँ पे नाम मात्र का चला गया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ के मध्य विद्यालय में, रसूलपुर मध्य विद्यालय में कुछ दिनों तक खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था, जो ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन के जैसा लगता है। हम यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे मिल करके बात करेंगे कि उनके दर्द की कहानी क्या है, और उनके पूर्वजों ने जो झेला है उसको वो आज भी झेल रहे हैं, पता नहीं उनके आने वाली नस्लें भी इस दर्द को झेलती रहेगी। हम और भी चल के लोगों से बात करते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे लोग हैं, अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएंगे वो कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो खेती है, और खेती में खास करके यहाँ के लोग धान और गन्ने की अच्छी खेती करते हैं, जिससे उनके आमदनी का बेहतर उपाय हो जाता है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए जो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, और वो लोग अब इस खेती को अभिशाप मानने लगे हैं, चूँकि ये बाढ़ रौद्र रूप अख्तियार कर चुका है। हमारे साथ अभी यहाँ पे पटेल जी एक हैं, इनका भी दर्द वही दर्द है जो और अब से पहले जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने मुझे बताया था। हम इनकी जुबानी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाली सरकार, क्या इनके इनकी आवाज़ को सुनकर शायद उनके दिल पे थोड़ा सा असर पड़े, और इनके दर्द को सुनकर के शायद कोई राहत पहुँचाने की कोशिश करे। ये जो सरकार है जी, क्या नाम है आपका? चंद्रेश्वर पटेल। पटेल साहब, आप ये बताइए क्या क्या नुकसान हुआ आपको? हमारा तो घर वहाँ वो पार चला गया है, जो पूरा नदी काट लिया वो पार चला गया, घर आ रही। कितना जमीन था उसमें? जमीन उसमें मानिए ना 2.5 बीघा लगभग। 2.5 बीघा जी, कितने का नुकसान हुआ आपका? सब चला गया, घर मकान मकान माल जाल के सब घर रहा से सब चल गया। हमारे वो पार पड़ गए हजूर, हमारे कहाँ बाबे ने वो वहाँ चल गए, वहाँ वहाँ धार में बह दी हजूर। रहने को घर नहीं सारा जहाँ हमारा, इनकी हालत आज वो हो गई है। 2.5-3 एकड़ से ज्यादा जमीन इस नदी में समा गई इनकी, कपड़े लत्ते जेवरात जानवर सब के सब बह गए। लेकिन शायद यहाँ की सरकार, उनकी आँखों की से आंसू का बहना शुरू भी नहीं हुआ है। देखना है उनकी आँखें कब खुलती है ताकि इन गरीबों को, इनको उचित मुआवजा मिल सके। हम और भी लोगों से मिलकर के जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो DM सीतामढ़ी के DM कब तक कुंभकर्णी नींद सोए रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इस गरीब की आवाज़ को यहाँ के जो DM है उनके कानों तक पहुँचा दे, ताकि इनके दर्द को दूर किया जा सके। अभी हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, बार बार दिखाना चाहेंगे यहाँ के लोगों के दर्द को, ताकि यहाँ की सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसकी आँख खुले, उसकी आँख खुले और देखे कि यहाँ के दर्द, यहाँ की जो जनता है जिस दर्द में कराह रही है, उस जगह पर अगर कोई उनका अपना रिश्तेदार होता तो शायद आज वो इस हालात में नहीं होते। हम यहाँ के दर्शकों के दर्द को हम हर हाल में आपको सुनाएंगे, आप देखते रहिए। जी, क्या नाम है आपका? यादव जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने जो विधानसभा का चुनाव था, अनिल राम को जिताया था, किस क्या सोच के जिताया था? जी सर, देखभाल करेंगे, नदी कटाव हो रहा है इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो अब आज तक वो ताकने भी नहीं आए हैं जी। हम लोग 1 जून से
स्कूल में शरण मिला है। मुखिया जी सहयोगी एक से डेढ़ महीना तक खिलाए, 41 दिन तक भोजन कराए, उसके बाद वो भी बंद हो गए। उसके बाद कोई खोज कुछ नहीं है। यहाँ विधायक भी आते हैं, वो क्या बोलते हैं, जिला के सब आते हैं, विधायक भी, वो सांसद भी आए, BDO भी आए, CO भी आए, वाय सब अपना अपना फोटो बना रहे थे कि विधायक विधायक नहीं है सर, विधायक कहवे नहीं किया नीला में को बात कुमार पिंटू जो एक दिन आए थे संसद में मुद्दा भी उठाए, लेकिन इससे अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सहारा बैठे हुए हम लोग को जो जगह जमीन था जो सब कट चुका है, हम लोग को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, बस यही है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि BDO आए, CO आए, सांसद आए, बड़ी अच्छी बात है। सांसद तो आए, सांसद के आने के बाद उन्होंने लोकसभा में आवाज भी उठाया। हैरत इस बात की है कि जो हम माननीय प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम किसानों के हैं, किसान हमारे हैं, नौजवान देश की जो सेना है वो हमारा है, जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। क्या ये नारा सिर्फ चुनाव के लिए है? क्या इस समय जब किसान अपनी जिंदगी को के दर्द को बखूबी झेल रहा है, दर्द से कराह रहा है, ऐसे में सरकार कहाँ है? हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जय जवान और जय किसान का जो नारा है क्या वो सिर्फ चुनावी जुमला है? मिल देते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर और भी दर्द के मारे लोगों से मिल करके हम अपने दर्शकों से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम अपने दर्शकों को हम ऐसे व्यक्ति से, ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जिनके सपनों का महल इस पानी में विलीन हो चुका है, समा चुका है। पता नहीं उन्हें रातों की नींद कैसे आती होगी, दिन में सुकून कैसे मिलता होगा। हम उनके दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राय साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका घर पानी में कितना दिन पहले बह गया? दो तीन महीना हो गया। कितना घर बनाने में कितने पैसे लगे थे आपको? अभी घर बने के जगह नहीं, तो नहीं नहीं, पहले जो आपने घर बनाया था उसमें कितने पैसे लगे थे? वो में तो 7-8 लाख रुपए लगा हुआ था। और वो रातों रात पानी में बह गया, घर का सारा सामान भी चला गया होगा? वो सब वही में बह गया, गिरता है आसपास। तो घर जब बहा तो उसमें घर का जेवर वगैरह ये सब भी बह गया होगा? सब वही में। अच्छा, खेती की भी जमीन थी वो भी चली गई? धूल में बचल है हमने के सब का। कितनी जमीन पानी में बह गई आपकी? 5-7 बीघा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान का 5-7 एकड़ जमीन अगर इस नदी में बह गया हो, उसका आशियाना जो उसने बड़े मेहनत की कमाई से बनाया हो, लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर वो महल बनाया है और जो पानी में बह गया है, उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। अब ये बताइए, सरकार के द्वारा कोई लाभ मिला है क्या? कोई लाभ? कोई नहीं। जिला कलेक्टर वगैरह ये लोग आए थे? कोई नहीं आया। कलेक्टर साहब आए? नहीं। जैसे DM साहब अलग, इन्हें कौन कर्मचारी अलग, कोई मुआवजा वगैरह देने की बात नहीं की? अब ये राय जी का साफ कहना है कि अब तक इतनी बड़ी घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना, इससे बड़ी घटना मुझे नहीं लगता है कि एक किसान, किसानों की बात हर नेता करते हैं, चाहे वो जिस भी दल के लोग हों, सभी दल के लोग किसानों की बात करके किसानों को बेवकूफ़ बना करके किसानों का कीमती वोट तो लेते हैं, लेकिन आज वही किसान जो तिल तिल मरने को तैयार है और आज उसके दर्द को देखने वाला कोई नहीं है, ये कैसी सरकार है? इस सरकार को हम निकम्मी सरकार कह सकते हैं, शायद ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। हम चलते हैं और सभी लोगों से बात करके उनके दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम रसूलपुर के जो लोग मौजूद यहाँ पे हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो अपनी नजरों के सामने में अपने घरों को पानी में बहते हुए देखा है, अपने फसलों को बर्बाद करते हुए देखा है, उन्होंने कितना दर्द झेला है, हम उनकी जुबानी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उन्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अरविंद ठाकुर हुआ मेरा नाम जी। मैं इसी गांव का वासी हूँ जी। अब कोई शब्द ही नहीं है त्राहिमाम के सिवा जी।
आश्चर्य है कि नेपाल से जो नदी आती है भारत में, सबसे पहले रसुलपुर गांव में ही यह बागमती आती है, उसके बाद ही भारत के अन्यत्र जगह पर यह नदी जाती है। और दुखद बात है कि नेपाल ने अपना ठोकर बना लिया है, अपनी सुरक्षा कर लिया है, लेकिन इस 125 करोड़ के देश में अभी तक सरकार के पास वैज्ञानिक सोच नहीं है कि इस नदी को के बहाव को कैसे रोका जाए। हजारों हेक्टेयर जमीन कट रहा है, लेकिन सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। बहुत ही दुखद है। इनका दर्द वाकई झलकता हुआ दिख रहा है कि सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जो अब तक इस नदी में विलीन हो चुका है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई ठोस उपाय नहीं है। सरकार के द्वारा अब तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया है, जिसकी वजह से इन गरीबों के ज़मीन को इस पानी में तब्दील होने से रोका जा सके। हम और भी यहाँ पे जो लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दर्द क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बालगो झा। झा साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये हर दिन आपके इलाके की ज़मीन इस नदी में समाती जा रही है, कैसा लग रहा है आपने? कैसा लग रहा है, हर दिन नहीं, 3 साल से नदी 3 किलोमीटर पश्चिम थी नेपाल में, वो हमारे इंडिया में चली आई। हमारे गांव का 200 बीघा ज़मीन कट गई, 25-50 घरें कट गई, अब तो हमारे पूरे गांव पे ये आफत है। इसके लिए सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा है, नहीं बिहार सरकार कर रहा है, नहीं भारत सरकार कर रहा है। नेपाल सरकार अपना दोनों बांध बांध के अपना क्लियर कर लिया, बीच से नदी जा रही है। हमारा बिहार सरकार कुछ संज्ञान में नहीं ले रहा है। इस गाँव पर ज़मीन तो जा ही रहा है, घर भी अब जाने को हो गया, 50 घर तो गया, उसमें कोई उपाय नहीं। और कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा लोग, ये हमारे गाँव पर बड़ी बड़ी समस्या है। इसका निदान तो सरकार ही कर सकता है ना, दूसरे की बस की बात तो है नहीं। बिल्कुल, ये मुखिया जी है, ये अपना कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो आएंगे वही ना करेंगे। जल संसाधन मंत्री हो, बिहार सरकार की मंत्री हो, जो भी है यहाँ आके कुछ करेंगे तब ना होगा। बिल्कुल, ये तो 3 महीने। इन्होंने भी अपना जो दर्द बताया है, वाकई बड़ा ही दिल को दहला देने वाली खबर है। हम और भी लोगों से बात करते हैं और उनके दर्द को हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास एक स्थानीय लोगों ने ये बताया कि नेपाल तो अपने सीमा को बचाने के लिए पूरी तरह से वो कामयाब हो चुका है। बड़े हैरत की बात है, छोटा सा मुल्क है नेपाल, जिसकी कोई औकात नहीं है। हमारा सीतामढ़ी ज़िला अगर चाहे तो नेपाल पे भारी पड़ सकता है, लेकिन इतना बड़ा काम उसने किया कि हमारे देश के ठीक सीमा के सटे हुए उसने ऐसा मजबूत बांध दिया है, जो बांध उसे तो बचा लिया, लेकिन हमारे सीतामढ़ी ज़िला के इस रसूलपुर इलाके के हजारों एकड़ ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। सरकार के द्वारा इस दिशा में अब तक कोई भी पहल नहीं की जा सकी है, वाकई बड़ा दर्द भरा ये मामला है। ऐसे में सरकार को हर हाल में, केंद्र सरकार और भारत बिहार सरकार को हर हाल में इस पे संज्ञान लेना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका दर्द क्या है, इनकी परेशानियाँ क्या है। क्या नाम है? जमीन, मेरा नाम सुरेश ठाकुर है जी। कुछ दिन पहले यहाँ तटबंध जो नेपाल से आई, नेपाल सरकार ने बांध करके इंडिया में ले आकर के छोड़ दिया, और उस तटबंध को इस तटबंध में मिलाने के लिए कितने प्रतिनिधि आए, हम लोग इस प्रस्ताव को रखे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसमें हम लोगों को बहुत सारा ज़मीन बह गया, अब घर भी बहने जी लायक हो चुका है। हम लोगों को कोई रहने का अस्तित्व सही नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब जब जिस इंसान का घर पानी में बह गया हो, उसकी हालत कैसी हो सकती है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा घर हर इंसान का सपना होता है, एक छोटा सा घर हो, और जब इंसान का घर सपना ही अगर पानी में बह गया, तो आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रातों की नींद और दिन का चैन, उसका जाना बिल्कुल ही लाजमी बनता है। ऐसे में यहाँ के जो ज़िला पदाधिकारी हैं, स्थानीय जो अंचल अधिकारी हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन रोना इस बात का है कि अब तक यहाँ के ज़िला पदाधिकारी के आँखों की नींद अभी खुली नहीं है। पता नहीं वो उनकी आँख की जो नींद है कितने लोगों की जाने जाने के बाद खुलेगी, ये तो वक्त बताएगा। हम चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार और हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये गन्ने का लहलहाता हुआ फसल, शायद इसमें इन किसानों ने बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने सजोए होंगे कि ये जब फसल तैयार होगा, गन्ने का फसल जब तैयार होगा, तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने
बच्चों की शादी करेंगे, बच्चों की बेहतर पढ़ाई पे खर्च करेंगे, एक नया घर बनाएंगे, लेकिन ये जो नदी है इनके सारे अरमानों को अपने साथ बहा ले जा रही है। यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दर्द कैसा है। जी बताइए क्या है यहाँ आपकी शिकायत, क्या है यहाँ के सरकार से? मेरा शिकायत यही है कि डबल इंजन की सरकार है जी, जब हम बोलते कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, तो ये मेरा स्मार्ट गांव पूरा कैमरा घुमा कर चारों तरफ दिखाइए जी, और यही यहाँ से हम लैंडिंग करेंगे, हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंडिंग करेगा, हम लोग यहाँ से पटना जाके पे वहाँ उतरेंगे। यहाँ गंगा मैया जो बंगवती स्कूल हम लोग पहुँचे हैं, बंगवती है जी, कटाव का करीबन 27-28 एकड़ था, हम लोग कट गए। मेरा एक घर यहाँ पे थोड़ा मरे बना के मतलब कि रह रहे थे, ये भी अब जा रहा है, अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है कि हम कहाँ जाए नहीं जाए। सरकार बोलती है कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, नहीं स्मार्ट सिटी बन रहा है ना आपसे, नहीं स्मार्ट गांव बन रहा है, अब करना क्या चाहते हैं? गाया पी के सो जाते हैं। सांसद में मेरे सांसद जो कौन है वो अपन सुनील कुमार पिंटू, सांसद साहब जो उठाए वहाँ सांसद में बात मुद्दा उठाए, अभी तक कोई असर इसका नहीं हुआ है। हम लोग को अभी सरकारी लाभ तक कोई नहीं मिला जो हम लोग को मिले, और हमको राहत जो है मुखिया जी मेरे गांव का है उन्हीं के तरफ से हम लोग को राहत मिल रहा है, स्कूल में खाना उनका व्यवस्था कुछ नहीं करवाए, वो भी ऊपर से कहां से बदकही हुआ, कोई भी बंद हो गया। और बात ये भी है कि भविष्य के स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई कर उसके भी भविष्य के बाद हम लोग कितना दिन स्कूल में रहेंगे, कब तक रहेंगे? इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अब तक इन्होंने अपने ज़िंदगी के कुछ दिन स्कूल में गुजारे हैं, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा जो उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है? ऐसे में सरकार को अपनी आंखों के नींद को खोलना पड़ेगा और यहाँ के कलेक्टर को जगना पड़ेगा ताकि इन गरीबों के दर्द को दूर किया जा सके। यहाँ पे से अब कुछ दूर अभी यहाँ जस्ट कुछ दूरी पे एक ऐसा घर है जहाँ पे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे जो इस नदी के डर से वो अपने घर को यहाँ से हटा करके कहीं और आशियाना बनाने की जुगत में लगे हैं। हम चलते हैं उस जगह पे और उनके दर्द को भी जानने की कोशिश करते हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये रसूलपुर गांव का ही एरिया है और हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये मकान, ये टूटा हुआ नहीं है, ये ऐसा मकान है जिसको बड़े अरमानों से खून पसीने की कमाई से इसे बनाया गया था, लेकिन आज इस नदी के विकराल रूप को देखते हुए ये लोग खुद अपने हाथों से इस मकान को तोड़ रहे हैं, बल्कि इसको तोड़ करके हटा करके कहीं और बनाएंगे। हमारे ठीक दाहिने तरफ कैमरा पर्सन से चाहेंगे, ये ट्रैक्टर के ऊपर ये मकान जो तोड़ा जा रहा है उसकी ये लकड़ियां मौजूद है और इसके सारे सामान यहां से ले करके जहां इन्हें जगह सुरक्षित जगह समझ में आएगा वहां ये लोग बनाएंगे। और ये बड़ा आप सोचने की बात है कि यहां के लोग अब जगह बदल रहे हैं, नदी इन लोगों का पीछा कर रही है, सरकार सोई हुई है, यहाँ का DM सोया हुआ है, दिन रात कलेक्ट्रेट में मीटिंग होती रहती है, लेकिन इन गरीबों के दर्द को देखने के लिए शायद उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ मौजूद है इस पंचायत के मुखिया, बिल्कुल नौजवान है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का जो दर्द है उसमें इन्होंने अब तक उनके दर्द को दूर करने के लिए क्या क्या सोचा है, क्या क्या इन्होंने किया है। जी मुखिया जी, प्रखंड प्रशासन के द्वारा 1.5 माह पूर्व जब यादव टोला यहां से और पश्चिम एक टोला हुआ करता था जिसकी आबादी 100 से 150 के लगभग थी, जिसमें 24 परिवार रहते थे, उनका नदी में के बीच धार में जो है घर चला गया कट करके। प्रखंड प्रशासन के द्वारा पोलोथीन सीट का वितरण किया गया, वो लोग के स्कूल में रहने का व्यवस्था किया गया और जिला प्रशासन के निर्देश पर कम्युनिटी किचन का व्यवस्था चला जो 41 दिन तक चला, उसके बाद उस कम्युनिटी किचन को बंद कर दिया गया और प्रखंड प्रशासन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके गया जिसमें आपदा से प्रभावित लोगों को 91,000 रुपया, जिनका खपड़ा का एस्बेस्टस का घर था उनके लिए 91,000 और जिनका छतदार था उनके लिए जो है सो 1.5 लाख के लगभग में और फूस का जिनका था उनके लिए 4600 रुपया का रिपोर्ट तैयार करके गया, लेकिन
पदाधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उस रिपोर्ट को गए हुए 1.5 माह से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक किसी भी लाभुक को उसका लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण लोग अपना अस्थाई घर बना करके स्कूल से हट करके कहीं अपना व्यवस्था कर पाए और उसमें जो है सो रह सके, जिसके कारण स्कूल का भी पढ़ाई बाधित तो हो रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार स्कूल खाली करने का भी कई बार जो है कि उसको खाली करवाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि खाली करवाने के बाद ही बरसात के समय में और अभी बाढ़ का भी संभावना लगातार बना हुआ है, इसमें उन लोग को निकाल करके कहाँ जो है सो भेज दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उनको बेघर, एक तो भगवान आश्रय उन लोग का छीन लिया सरकार के सहयोग से स्कूल में स्थापित, लेकिन स्कूल से भी हटा करके उनको कहाँ किया जाए यह समझ से पड़े है, जिसके लिए बराबर प्रशासन के तरफ से दबाव आ रहा है कि ये बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। सही में पढ़ाई तो बाधित हो रहा है, लेकिन इन लोग को कहाँ निकाला जाए, न सरकार के तरफ से बसने के लिए जमीन का कोई व्यवस्था कराया जा रहा है, न घर बनाने के लिए कोई अनुदान दिया जा रहा है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि एक तो वो बेघर है, सरकार के द्वारा बार बार ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि स्कूल को खाली कराया जाए, ऐसे में इस बरसात के मौसम में और फिर बाढ़ के जमाने में कहाँ जाएंगे ये लोग, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हम और भी लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दर्द क्या है। अब हम यहाँ के जो मुखिया हैं, एक हम इम्पोर्टेंट सवाल हम उससे जानना चाहेंगे कि सरकार की योजना हमेशा बनती है कि बाढ़ की पूर्व तैयारी, बाढ़ आने के पहले की जो तैयारियां हैं इस इलाके में स्थानीय प्रशासन के द्वारा, यहाँ के कलेक्ट्रेट के द्वारा क्या क्या किया गया था, हम मुखिया की जुबानी अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी बताया जाए। शुरुआत इस बार बरसात में जब कटाव का शुरुआत हुआ तो हमारे प्रभारी, जिला के प्रभारी मंत्री महोदय जमा खान साहब भी आए थे, तो आए तो उनके बाद जो है सो कटाव के लिए सैंड बैग, बांस का हाथी बैग, ये सब बना करके नदी में जो है सो डाला गया, लेकिन बागमती तो व्याघ्रमती है जो किसी तरह का से नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि अभी जो एक महीना रौदी का समय जो गुजरा है, जिसमें प्रशासन, हमारे DPRO साहब से भी हम जा करके मिले थे, आपदा के प्रभारी जिला के वही हैं, उनसे भी मिले थे को भी कहें, लेकिन कुछ एक महीना के बीच में कोई प्रशासन ऐसा काम नहीं किया जिससे कटाव जो है रुक पाए, और उस व्यवस्था नहीं करने के कारण नदी में जो पानी आई है बरसात के कारण, जो और नदी उग्र हो करके रात दिन जो है सो 500 एकड़ 2 दिन के अंदर में जमीन जो है सो नदी में समाहित हो गई है। या पूरी इसकी जवाबदेही प्रशासन की है, जब प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यह सब लोगों को आपदा का दंश झेलना पड़ रहा है। अगर मुखिया जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर जिस टाइम में बारिश नहीं हो रही थी, तेज धूप थी, और उस समय में बाढ़ से बचाव की तैयारी अगर ये जिला प्रशासन ने किया होता तो शायद यहाँ के लोगों को ये दंश नहीं झेलना पड़ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं, या ये उनकी निष्क्रियता का कारण है और सीधा आरोप यहाँ के जिला पदाधिकारी पे बनता है, आपदा के जो प्रभारी हैं पदाधिकारी हैं उन पे बनता है। हम और भी लोगों से बात करने के करके यहाँ के हकीकत से रूबरू अपने दर्शकों को हम कराना चाहेंगे। यहाँ के लोगों का दर्द जानना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा, चूँकि मैं काफ़ी दूर से मैं सुनता आ रहा था कि यहाँ पे मेजरगंज के रसूलपुर गांव के लोगों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं काफ़ी लंबी दूरी तय करके, करीब तकरीबन हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है ये रसूलपुर गांव, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। अब हम यहाँ के लोगों के दर्द को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम अरुण ठाकुर। जी क्या क्या समस्या है बताया जाए? स्थानीय निवासी हमारा सामने दिख रहा है। जी कहना क्या है, जो लोग कह रहा है सो आप भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहा है, मंत्री से लेकर आम जो भी पदाधिकारी आए, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है
जिसके यहाँ आवेदन नहीं दिया गया, जिससे विनती नहीं की गई, लेकिन ढाक के तीन पात की बालिका है। डीएम साहब को आवेदन दिए, मंत्री महोदय को जाके दिए, दो साल से लगे हैं। 3 किलोमीटर बागमती रसूलपुर की तरफ मूव कर रही है 3 बरस, आज की बात नहीं है, ये पिछले 2 बरस से तो निश्चित रूप से पूरब की तरफ आ रहा है। हम 2 साल से बात को उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कहता जो बाढ़ में तो कटाव होगा, इसमें हमने कुछ कर। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पिछले 2 सालों से इस रसूलपुर गांव और आसपास के जो ग्रामीण हैं, ये अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं सबसे बड़े इन परेशानियों का जो सबसे बड़ा कारण अगर है वो यहाँ के जिला प्रशासन है। हम उनसे बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम विनती करेंगे कि शायद इन गरीबों के दर्द को बांटने की कोशिश कीजिए, इन गरीबों के दर्द को दूर करने की कोशिश कीजिए, शायद इनके बच्चे अगर आशीर्वाद देंगे तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। कैमरा पर्सन टिपू टार्जन के साथ मैं शाम दानिश कशिश नौज सीतामढ़ी।